एल जेब्रा अलग बीज गणित बड़े दिनों बाद वापसी एक दो महीने बाद चलिए हर मैथ्स के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया एलजेब्रा हो गया सर्कल लाइंस एंड एंगल्स ज्योमेट्री ज्यामिति ये सारे टॉपिक्स आते हैं मैं एरिया वॉल्यूम उसमें से एक चैप्टर है एल्जेब्रा और इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में ये व्यापम के एग्ज़ाम में किसी सिलेबस में मेंशन हो ना हो लेकिन इसको आपको करके जाना है नहीं सर हॉस्टा ऑर्डर में नहीं दिया बीज गणित दिए रहे मत दिए उससे कोई ले नहीं मैं बोला व्यापम का जो पैटर्न रहता है वो हमको सब कवर करके जाना है उसमें क्या नहीं दिया क्या दिया उससे कोई लेना देना नहीं सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं तो मैथ्स में आप चैलेंज नहीं कर पाओगे टॉपिक आप सिलेबस में नहीं डाले थे और पूछ दिए इसको भी करते हुए चलना है बहुत आसान है अगर आप शुरू से बेसिक से समझते चलें और याद करते चलें सबसे पहले मैं चार फॉर्मूलाज बता रहा हूँ वो फॉर्मूला को नोट डाउन करना और बचपन से तो देखते ही आ रहे हो सबसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता बताइए प्लस, प्लस टू ए बी नहीं सर हम लोग तो एक्स और वाई पढ़े एक ही मतलब ठीक इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे ध्यान रखना सारे फॉर्मूलेस पे ध्यान देंगे ठीक है ए माइनस बी स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर में A square plus B square ये ऐसे ही रहेगा ये माइनस टू ए बी इस बात को आप ध्यान देंगे नहीं सर हम तो कुछ और पढ़े बीच में डाल दिए और बाकी सब वही एक ही सिस्टम में। इधर रकूं, इधर ए प्लस बी का होल स्क्स बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये फॉर्मूला लिखेंगे लिखना है उसको ए प्लस बी का होल क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट ए प्लस बी ठीक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी रहेगा बोले नहीं सर हम तो कुछ और देखे थे ये ब्रैकेट ओपन हो जाता है उसको देखे रहोगे अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये थ्री ए स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस ये थ्री ए बी स्क्वायर हो जाएगा ठीक कुछ भी लिखो बट फिलहाल हम अभी ऊपर वाला मान के चल रहे हैं क्लियर और वहीं पे अगर आपको पूछ दिया जाए ए माइनस बी का होल क्यूब तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी ऐसे कुछ है याद आ रहा है ठीक तो फिलहाल ये चार फॉर्मूला लिखेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे ठीक <coughs> सॉरी अब यहां पे ध्यान देना लिखना मत ए और बी में कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है मैं ए बराबर टू लिख सकता हूं जी बिल्कुल लिख सकता हूं ए बराबर वन बाई टू लिख सकता हूं लिख सकता हूं ए बराबर कुछ भी मान सकता हूं ए बराबर दशमलव दो लिख सकता हूं कुछ भी लिख सकता हूं रूट टू ठीक है तो हम इसको ए मान सकते हैं ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स मान लो ए मान लो बी मान लो सी मान लो कुछ भी मान लो ये चार फॉर्मुले आपको याद रखने हैं और ये याद रहेगा तो समझ लो अल्जेबरा का आधा हिस्सा जो पूछा जाता है वो बन जाएगा क्योंकि यहीं से ही सब डिराइव्ड है अब सबसे फेवरेट पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगर x प्लस वन बाई एक्स ये बराबर आपका पांच है या ब्रैकेट नहीं भी दिया है तो भी ये लो ब्रैकेट नहीं दिया x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर पांच है तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा अभी देखेंगे उसके बाद नोट डाउन करेंगे पहले यहाँ देख लेना समझ ले उसके बाद नोट डाउन करना एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर पाँच है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अब देखो मुझे ये वैल्यू दे देगी एक्स प्लस वन बाई एक्स इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वो नहीं पहुँच पाएगा मुझे दिया गया है ये और निकालना है ये यहाँ पे बस एक्स्ट्रा क्या आइटम दिख रहा है ये स्क्वायर लग गया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मैं इसका पूरा उठा के स्क्वायर कर दूं तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्या चीज हाँ ठीक तो पूरा का स्क्वायर कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर सर टू ए बी भी, भी तो रहेगा देखते हैं उसका क्या करना है ठीक तो फिलहाल इतना ये समझना अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पावर वाले क्वेश्चन मान के चलिए एक्स टू दॉवर टू इन टू एक्स टू दॉवर थ्री है और एक्स टू दॉवर टू ब्रैकेट में ये क्यूब है ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्या हाँ कर रहे हो कहाँ से हाँ नहीं आएगी एक्स स्क्वायर इन टू एक्स क्यू का स्क्वायर ये होता है कि x को मैं दो बार लिखूंगा ये लो x, x और x। नहीं दो बार हाँ ये बीच में मल्टीप्लाई है ठीक है है ना बीच में मल्टीप्लाई ये लो बड़ा x बना लिए अब इसका फिर ये मल्टीप्लाई और ये एक्स क्यूब का मतलब क्या है तीन बार x, एक्स 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 ट्रिपल ठीक है तो एक दो तीन चार पांच ठीक चेहरे मुस्कान के पीछे तो दो और तीन घात तो तो है वो ये ये आपस में जुड़ जाएंगे टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा लेकिन ये अलग है अलग दिख रहा ना भैया तो एक्स स्क्वायर है और उसका क्यूब है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है इस केस में टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा एक्स इसको सर्च एंड घाटाओं घातांक एवं करनी में और विस्तार से देखेंगे बट फिलहाल कुछ बेसिक कंसर्ट बता रहा हूँ ताकि आप इस पर कंफ्यूज ना हो समझ आई बात तो एक्स स्क्वायर इन टू एक्स क्यूब ये पॉर फाइव हो जाएगा इसमें पावर जुड़ जाते हैं लेकिन एक्स स्क्वायर है उसी का क्यूब है तो ये एक्स टू दॉवर सिक्स हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होता है इतनी सी बात समझ आई मतलब ये दो गोनी तीन हो गया छः अच्छा अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखू और टू द पॉवर वन बाई टू लिखूं इसका क्या मतलब ये हां दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो कैसे टू इन टू वन बाई टू मल्टीप्लाई होगा तो ये दो दो कट जाएगा बचेगा क्या ठीक ये बात समझ आई ओके okay. और क्या समझाना है आपको अगर मैं एक्स टू दॉवर माइनस वन बोलता हूं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन बाई एक्स वन बाई एक्स क्लियर या वन बाई एक्स दिया इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इतनी सी बात समझ आई ठीक एक्स टू दी पावर वन बाई टू दिया हुआ है इसको मैं लिख लेता हूं बाई थ्री दे दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूं ये क्यूब रूट ठीक अगर वन बाई फोर दिया एक्स तो ये एक्स को अंडर डालूंगा और इधर ये चार रहेगा ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको समझनी चाहिए ठीक है चलो इसमें किसी कोई तकलीफ समस्या हो तो बता सकते हो फिर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं ये बराबर कुछ वैल्यू दी है मैं काम करता हूँ ये पूरे का ना स्क्वायर कर देता हूँ ठीक है तो इसका मैं पूरा का पूरा स्क्वायर किया एक्स प्लस वन बाई एक्स ये दिया हुआ था ये पूरे का मैं स्क्वायर किया ये बराबर अब भैया जो लेफ्ट हैंड साइड की है वही राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा तो इक्वेशन मेंटेन रहेगा तो मैं इसका भी स्क्वायर कर लेता हूँ ये पांच का स्क्वायर कर लिया गया ठीक बिल्कुल अब ये देखो कहीं ना कहीं ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है तो ए प्लस बी वाला फॉर्म दिख रहा है नहीं सर ये तो ए प्लस है नहीं ये मैं पूरे वन बाई को बी मान रहा हूं ये एक्स ए हो गया ये वन बाई एक्स हो गया ठीक अब याद करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था ये अभी पूछे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो जहां जहां हम ए का मान कुछ माने हैं उसको रख देंगे बी का मान है उसको रख देंगे ठीक तो रख के देखते हैं क्या होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर तो ए ये माने है इसका फॉर्मूला क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये वन बाई एक्स का होल स्क्वायर रहेगा होल स्क्वायर मतलब ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर तो आपको मालूम है कि वन का स्क्वायर वन ही आएगा वन का क्यूब वन ही आएगा एक की घात चार पांच छह सात आठ जो भी लो एक ही आएगा प्लस टू ए बी भी, भी तो होता है टू इंटू ए अब ए की जगह क्या रखा हूं एक्स ए ए का स्क्वायर बी बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी अब भैया इधर भी कुछ करोगे नहीं करोगे पांच का स्क्वायर क्या है पच्चीस हो गया ठीक अब ये देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस अब देखो ये और ये कट जाएगा क्या एक एक्स है और नीचे एक्स है दोनों कट गया प्लस क्या टू ये बराबर क्या गया 25. आगे चल के मैं काम करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूं ये दो को मैं इधर लेके आऊंगा तो पच्चीस माइनस दो जाएगा तेईस तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान आ गया कितना पेस। अब नोट डाउन करो और कर लिए सुनना चाहिए ना चलो नोट डाउन करिए जो बाकी नहीं किए ठीक समस्या कुछ झा साहब नहीं ठीक हो गया लेके ये तो थी आम जिंदगी अब देखेंगे मेंटस वाली जिंदगी जब भी ऐसा दिया हो ना सिस्टम एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हो और आपको स्क्वायर में निकालना हो ये जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर करके दो से घटा देना पाँच का स्क्वायर पच्चीस दो से घटा दोगे कितना आएगा तेईस इसको मैं लिखाऊंगा बट इससे पहले कुछ और कंसेप्ट देख लेते फिर वापस हम लोग उस पर आ जाएंगे ये बना लियो तो ठीक वही प्रक्रिया अपनाते हुए आप इसको बनाएंगे x प्लस वन बाई एक्स बराबर तीन है तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा साथ आएगा, लेकिन उसको पूरा बनाओ लंबा वाले मेथड से ठीक वो लॉन्ग मेथड भी सॉल्व करना जरूरी हो जाता है इसमें भले काम ना है लेकिन कहीं ना कहीं यूज हो जाता है तो उसको पूरा बनाएंगे आप ठीक उसी प्रकार जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे पूरा बनाएंगे चलो ठीक है जिनका नहीं आया देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स इसको मैं पूरा स्क्वायर कर देता हूं ताकि इस टाइप के फिगर में मैं पहुंच जाऊं तो यह एक्स प्लस करूंगा तो मुझे फॉर्मूले के हिसाब से क्या मिलेगा ए स्क्वायर क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इसको ए से मान ले रहा हूं और इसको बी मान ले रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले सर वन का भी स्क्वायर होगा जी बिल्कुल होगा वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा प्लस टू ए बी ए के जगह मुझे क्या रखना है एक्स

सात नोट डाउन करेंगे और एक जो मेथड बताया था स्क्वायर करके दो से घटा देना लिखाऊंगा उसको भी तो तीन का स्क्वायर नौ नौ माइनस दो सात तो ये सब क्वेश्चन मुंह जबानी बनते हो गया अब थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं अभी प्लस प्लस देख रहे थे जो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर पांच में लिखा था वही क्वेश्चन कर रहे हैं बट प्लस की जगह माइनस रख लिया प्लस की जगह माइनस रख लिया अब बताओ सत्ताईस आ रहा है ठीक अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर पांच है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा बोले सर ये उधर माइनस चेंज किया अभी माइनस होना चाहिए था गया? नहीं आप तो ऐसे पूछ रहे हो तो नहीं छोगा सर लेकिन ये प्लस ही होगा क्योंकि स्क्वायर करने पे हम याद करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो प्लस ही आता है माइनस कहाँ पे आता है प्लस टू ए भी माइनस टू ए बी वहाँ पे जो हो जाता है तो माइनस दे के भी प्लस ही रहेगा बोले सर माइनस दे देगा तो तो ध्यान रखना ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसका आंसर नहीं आता हो ठीक नहीं दिमाग दौड़ता सर ऐसे रहा तो ये स्क्वायर रहा और ये क्यूब रहा तो नहीं निकालते ऑर्डर ठीक है एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन फाइव अब इसको मैं ए मान ले रहा हूँ इसको बी मान ले रहा हूँ अब ध्यान रखना यहाँ पे मैं ए क्या माना एक्स को और बी बताओ वन बाई एक्स होगा कि माइनस वन बाई एक्स माइनस नहीं होगा अब वन बाई एक्स ही होगा माइनस अलग है मैं खाली बी इसको मार रहा हूं तभी तो में फिट बटेगा भैया ए माइनस बी वाले में और बी को ये आप माइनस वन बाई एक्स मान लोगे तो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी केवल वन बाई एक्स है तभी वो में फिट बटेगा तो छोटी छोटी गलतियां होती है उसको हो तो मैं बता दे रहा हूं आपको ताकि ध्यान रहे अब ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर अगर मैं निकालू ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालू तो ए के जगह एक्स है तो ये लो एक्सर फॉर्मूला क्या कहता था देखो पहला ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस कहां पे आ रहा है ये टू ए बी वाले में प्लस वाले में तो सब प्लस था माइनस वाले में भी ये भी प्लस है बट यहां पे माइनस आ रहा है तो ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अब आएगा माइनस माइनस टू ए बी और ए के जगह मैं क्या माना हूं एक्स और बी के जगह माइनस वन बाई एक्स नहीं रखना बी के जगह ये छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखेंगे आप वन बाई एक्स ये बराबर अब भैया उधर का पूरा स्क्वायर क्यों तो इधर का भी नहीं करूंगा करूंगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड तो पांच का वर्ग कर दो पांच का वर्ग कितना आएगा अब इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये बराबर ये कट पीट के दो ही बच जाएगा क्या माइनस दो ये बराबर मुझे मिला हुआ है पच्चीस तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये बराबर पच्चीस माइनस दो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस दो सत्ताईस हमारा आंसर कितना आ गया सत्ताईस नो डोंट कर जो भी हॉस्टल ऑर्डर निकालने का इच्छुक होगा तो ये हायर मैथ्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो जॉब पाना है तो करना पड़ेगा ठीक बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता बस है ये बिना करे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो करना ही पड़ेगा ये सबको ध्यान देना आपको अब देखो एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर पांच ये सॉल्व कर लिए तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम एक्स प्लस वन बाई एक्स ये वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर तीन वाला सॉल्व किए थे अब प्लस के जगह आप माइनस रख के सॉल्व करिए एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर थ्री अगर ये मिले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे बता देना ग्यारह रहे जी बिल्कुल और उसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करिए एक बार चलिए आया आंसर पूरा देखूंगा पूरा होल स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए के जगह एक्स है बी के जगह वन बाई एक्स है ये बराबर क्या तीन का कर स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा नौ no. ये एक्स और ये एक्स तो कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये माइनस टू बचा हुआ है और इधर मिला हुआ नौ no. एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस दो इधर आ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा नौ प्लस दो ये हमारा आंसर आ गया नौ प्लस दो ग्यारह ठीक मनाली लगभग सभी ठीक अब देखो यहां पे अच्छा शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं यही डिराइव यहीं से हुआ है जैसे सबसे पहले हमने सॉल्व किया x 1 x पांच इसको स्क्वायर करके अगर प्लस दिया रहे x 1 x दिया है और इसका स्क्वायर पूछा हुआ है अगर प्लस है तो ध्यान रखना इसको स्क्वायर करके माइनस करना प्लस वाले में माइनस करते हैं क्योंकि ये प्लस कहीं कहीं जाके इधर माइनस होता है और माइनस वाले में ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर कुछ दिया हुआ है मुझे तो इसको स्क्वायर करके मुझे क्या करना पड़ेगा दो से माइनस कर देना तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर मैं इसको n मानूं तो शॉर्टकट क्या है आंसर आपका एन स्क्वायर माइनस टू फिर कुछ भी वैल्यू दी हो अगर ये पूछा है जैसे पाँच है तो पाँच का स्क्वायर माइनस दो पाँच का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस पच्चीस माइनस दो तेईस यह हमारा फॉर्मूला तो डायरेक्ट पुट कर लेना ठीक अच्छा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स रहता और अगर मुझे ये पूछा जाता तो भी क्या मैं वही फॉर्मूला हाँ, कोई भी वैल्यू पूछा है तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा एन स्क्वायर माइनस टू तो भी आंसर उतना ही आता तो याद रहेगा एन स्क्वायर माइनस टू अब यहाँ पे देखो क्या वो फिट बैठ रहा है इसका स्क्वायर करो तीन का स्क्वायर नौ और माइनस दो करो नौ माइनस दो सात आ गया शॉर्टकट मेथड ठीक है अब माइनस रहेगा तो क्या करना है अगर मैं उसको एन मानता हूं माइनस रहेगा एक्स माइनस वन बाई एक्स रहेगा तो सत्ताइस होता है सॉरी पांच का स्क्वायर पच्चीस होगा और दो बढ़ा दूंगा तो सत्ताईस ये आपका आंसर आ गया ठीक माइनस रहेगा और ये पूछा स्क्वायर वाला तो स्क्वायर करके प्लस दो कर देना दो जोड़ देना ठीक इसी प्रकार क्या ये भी वैल्यू फुट बैठ क्या देखो तीन का स्क्वायर किए नौ नौ में दो जोड़ दिए ग्यारह माइनस में दिया हुआ ठीक क्लियर ये बात समझ आई चलिए अब अब लॉन्ग कट मेथड नहीं अपना के डायरेक्ट आप मुझे वैल्यू बताएंगे हर केस में हर क्वेश्चन में यही निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये क्या होगा अब मैं लाइन से इसकी वैल्यूज बता रहा हूँ एक्स प्लस वन बाई एक्स आप बस बताते चलना कोशिश करना मूह जबानी आप बता पाओ इसलिए इधर लिखने बात पूरा ठीक है बताइए सब का आंसर बताइए ठीक जिसको नहीं भी मालूम वो भी भीड़ में है ठीक चलो x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या है सात है अब ये निकालना है क्या करोगे स्क्वायर करके माइनस कर देना स्क्वायर करोगे फोर्टी नाइन माइनस दो फोर्टी अब बोले सर ये रूट आठ वाला तो नहीं पता अरे क्या दिक्कत इसको स्क्वायर कर दो स्क्वायर करोगे रूट एट का स्क्वायर क्या आ जाएगा आठ ही तो आएगा छ है स्क्वायर कर दो प्लस दो कि माइनस दो अब माइनस है तो प्लस दो करना पड़ेगा ये आ गया अड़तीस ठीक और ये रूट ग्यारह है क्या तकलीफ है रूट ग्यारह का स्क्वायर करोगे ग्यारह मिलेगा पहला पड़ाव आपने पार कर लिया ये पूछा जाता है काफी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो ठीक तो रूट में भी दी रहे वैल्यू तो आपको घबराना नहीं है ठीक चलिए अब अगर रिवर्स मैकेनिज्म हम देखें ये देखे ये पूछा है ये देखे ये पूछे तो क्या कर सकते हैं हम लोग देखो अभी तक एक्स प्लस वन बाई एक्स हमको दे दिया गया रहता था और क्या निकालना होता था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये निकालना होता था ठीक अभी तक यही करते आ रहे थे ओके अब मैं बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये बराबर आपका सिक्सटी टू है इसकी वैल्यू बताइए बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हो यहाँ से मैं यहाँ कैसे पहुँचता था याद करो इसका वैल्यू एन स्क्वायर माइनस टू बराबर सिक्सटी टू ये पुट कर सकता हूं अरे इसका वैल्यू हम अगर एन मान ले ये एन हो तो क्या करते थे यहां तक पहुंचने के लिए एन का स्क्वायर कर दिए और प्लस वाला तो माइनस दो यहां प्लस रहता तो माइनस दो करते यहां माइनस रहता तो इधर प्लस दो करते तो स्क्वायर माइनस दो करके ही तो बैसठ आया होगा तो अगर उल्टा पूछे तो आप ऐसे ही मैकेनिज्म अपना के आंसर निकाल सकते हो एन स्क्वायर इधर ही रखना ये माइनस दो को मैं इधर भेज दूंगा प्लस दो जाएगा और प्लस दो जाएगा तो बैसठ प्लस दो कितना चार चौसठ एन बराबर ये कर सकता हूं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आठ ठीक है इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो तो ये भी नोट डाउन करिए सारे वैरायटीज कवर कराते चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलिए क्लियर सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा आप बनाइएगा और रूट में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ठीक है रूट में आए तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं ये सिक्सटी टू के जगह तिरपन रख रहा हूं बताइए आंसर क्या होगा <coughs> फिफ्टी फाइव ठीक आया ठीक ये अगर मुझे ये एन मालूम है इसको मैं एन मान के चल रहा हूं तो यहां तक पहुंचने का फॉर्मूला तो हम देखे थे एन स्क्वायर माइनस टू ये बराबर तिरपन है तो कहीं ना कहीं एन स्क्वायर बराबर ये माइनस दो इधर जाके प्लस हो जाएगा क्या पचपन हो जाएगा तो एन बराबर ये अंडर रूट पचपन आ जाएगा क्या बिल्कुल और कुछ बाहर नहीं आएगा ग्यारह इंटू पांच दोनों प्राइम नंबर है कुछ बाहर नहीं आएगा ठीक है तो एन बराबर हो गया रूट पचपन थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर आपको दे दिया गया है फोर्टी टू तो मुझे बताइए एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा निकाल सकते हो क्या ये भी? बिल्कुल ट्राई करो करिए रूट फोर्टी ठीक है बाकी भी ट्राई करो रूट फोर्टी सॉल्व हो सकता है क्या देखना टू रूट टेन ठीक अगर पूरा सिंप्लीफाई हो सकता है तो पूरा सिंप्लीफाई किया करो बाकी भी ट्राई करके देखो। चलिए, अगर ये बराबर मैं एन मान के चलता हूं चूंकि ये माइनस है और यहां तक मुझे पहुंचना इसका फॉर्मूला अभी मैं बताया था एन स्क्वायर प्लस टू ये करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा फोर्टी टू आ जा रहा है अभी तक मुझे एन मालूम रहता था इसको निकालना होता था अब ये ज्ञात है ये निकालना है तो इसको क्या कर सकता हूँ एन स्क्वायर बराबर ये माइनस प्लस टू इधर जाके माइनस टू हो जाएगा तो ये चालीस हो जाएगा तो एन बराबर अंडर रूट फोर्टी होगा अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हम लोग फोर्टी को कहीं ना कहीं आप चार इंटू दस लिख सकते हो चार का रूट क्या होगा अंडर रूट क्या होगा हो, हो, दो होगा तो इससे चार से दो बाहर ला लेते हैं और अंदर बच जाएगा क्या दस टू रूट टेन चेक तो मेरे ख्याल से आप ये वैरायटी सॉल्व कर लेंगे अब बोले नहीं सर इसमें मन नहीं आ रहा है इसमें मजा नहीं आ रहा है लॉन्ग कट से बताइए तो बिल्कुल लॉन्ग कट वाले से बताता हूं आपको इसको सॉल्व कैसे वो तरीका जान लो क्या पता कभी किसी कुछ दूसरे क्वेश्चन में काम आ जाए मान के चलिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये मुझे दे दिया गया है कितना तेईस ठीक तेईस दिया गया है और मुझे निकालने बोला गया है एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना होगा वैल्यू पांच आएगा ये तो आप भी जान गए वेल्यू पांच आ जाएगा लेकिन अगर उसको लॉन्ग कट मेथड से बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं अब ये स्क्वायर दिख रहा है और यहां तक पहुंचना है ये कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस वन बाई एक्स इट इज उतार दिया इसको मैं लिख देता हूं प्लस दो बोले सर इधर कहे लिखे तो इधर भी लिख देते क्या तकलीफ तेईस प्लस दो इधर प्लस दो किया तो इधर भी प्लस दो कर दूंगा बराबर रहेगा इधर दो से मल्टीप्लाई कर दिया इधर दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर रहेगा इधर दो से घटा दूंगा इधर दो से घटा दूंगा बराबर रहेगा तो प्लस दो प्लस दो कर दिए सर ऐसा क्यों किए अभी बताते हैं अब आगे चल के और थोड़ा सा तिमाली करता हूं इसको मैं प्लस, वन बाई प्लस इसको मैं टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स लिख दू क्या और ये तेईस प्लस दो पच्चीस हो जाएगा बोले सर ऐसा क्यों कहिए अरे टू इंटू वन करूंगा तो कोई तकलीफ है नहीं टू इंटू वन टू ही आएगा और वन को मैं एक्स इंटू वन बाई एक्स लिख सकता हूं क्योंकि एक्स एक्स कट के अल्टीमेटली वन ही बचेगा लेकिन इस प्रकार से करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमको ये फॉर्मूले के रूप में मिल जाए अब कहीं ना कहीं यहां से मैं एक फॉर्मूला देख पा रहा हूं अगर इसको ए मानूँ और ये पूरे को बी मानूँ तो देखो ए स्क्वायर और ये वन बाई एक्स ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो यहां ए के जगह क्या हो जा रही है अगर पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस पूरे को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर ये उसी फॉर्मूले के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है ठीक ये बराबर क्या आ गया पच्चीस आ गया तो एक्स प्लस अगर ये 25 से अंडर रूट करोगे का रूट कितना आ जाता जाता आ आ तो X X बराबर क्या गया 5 आ गया इसका लंबा चौड़ा लॉ मेथड ये है बट इससे पहले का जो तरीका बताया उसको आप याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी लेकिन फिर भी अगर दिमाग नहीं काम करे भूल जाओ तो ये देख सकते हैं इसको भी लिख लेना चाहिए आप लोगों को ताकि याद रहे किस प्रकार से ये आता है चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं आपके मन में किसी भी प्रकार की शंसा ना रहे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये बराबर ये बराबर आपको दिया जा रहा है रूट सेवन तो बताइए एक्स टू दावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू दावर फोर ये क्या होगा अब इसको देख के घबराना नहीं है आपको इसके लिए कोई अलग मेथड नहीं है ये वही मेथड है ये पूरे एक्स स्क्वायर को ये मान लेता हूं क्या तकलीफ पहले एक्स को ये मानता था पूरे एक्स स्क्वायर को ये मान लिया और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर को पूरा b मान लिया क्या दिक्कत तो अभी भी वही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला तो देखो अगर मैं यहाँ पे a बराबर पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर को ले लेता हूँ और b बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर को मान रहा हूँ अभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा मैं तो ये लो a का स्क्वायर मतलब a बराबर एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब वन बाई इसका होल स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए के जगह क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है बी के जगह क्या है वन बाई एक्स स्क्वायर है अब ये बराबर भैया इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को तो ये लो रूट सेवन का स्क्वायर तो देखो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये एक्स टू पावर फोर हो जाएगा अभी बताया था दो दुनी चार मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस ये वन बाई एक्स टू पावर फोर हो जाएगा वन स्क्वायर का तो वन ही जाएगा ठीक ये और ये कहीं ना कहीं कट जाएगा क्या तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा दो और आगे इसको मैं बढ़ाऊं रूट सेवन का स्क्वायर कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा तो अल्टीमेटली x टू दी पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर फोर ये बराबर ये दो इधर आके घट जाएगा सात माइनस दो कितना हो जाएगा पांच आ जाएगा ठीक क्लियर तो वही फॉर्मूला यूज हुआ है एन स्क्वायर माइनस टू सात को स्क्वायर माइनस दो तो इस प्रकार का अगर आप क्वेश्चन देखें तो घबराना नहीं ये हर वो जगह लागू हो जाएगा जहां क्या पूछता बता पाते इसी मेथड से जो बिल्कुल बता सकोगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसका स्क्वायर ही तो है ठीक इसको नोट डाउन करेंगे फिर दूसरे फॉर्मूले पर चलेंगे हम चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट देख लिया अब क्यूब वाले में आएंगे मान के चलिए आपको दिया गया है वन प्लस वन बाई एक्स बराबर वन बाई ये आपको दे दिया गया है नौ लेके चलते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर नौ दिया हुआ है तो मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा जिनको मालूम वो भी बनाएंगे और जिनको नहीं मालूम वो एक बार फार्मूला से ट्राई करके देखो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के देखो दोनों तरफ का क्या स्थिति उत्पन्न होती सात सौ दो nice ha oh. tick <coughs> Tá só? चलिए ध्यान दो यहां से मुझे इधर पहुंचना है देखो क्यूब नजर आ रहा है तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि वो पूरे का पूरे क्यूब कर दू तो इसका पूरा होल क्यूब करूंगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब और इधर भी नौ का क्यूब कर देता हूं इसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा याद करो इसको ए मान लेता तो हूं इसको बी तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी थ्री ए बी तो थ्री ए के जगह क्या जाना एक्स बी के जगह क्या माना वन बाई एक्स ब्रैकेट में क्या था ए प्लस बी ए प्लस बी एक्स प्लस वन बाई एक्स ये बराबर नौ का क्यूब करोगे सात सौ उन्तीस मिलेगा सेवन ट्वेंटी नाइन ये नौ का क्यूब है और सत्ताईस का स्क्वायर ठीक तो ध्यान रखिए अब यहां पे क्या ये एक्स और ये एक्स में काट दू बोले सर काट दो बोले सर ये तक तो चाहिए था ये एक्स्ट्रा मिल गया देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स तो मुझे पहले ही दे दिया गया 9 है नौ है क्वेश्चन में ही दिया गया एक्स प्लस बराबर नौ है तो कहीं ना मैं कहीं क्या करता हूं क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इसको इधर ही रखे रहता हूं प्लस ये थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मुझे पहले से दी गई है नौ तो थ्री इंटू नौ आ जाएगा ये बराबर सेवन ट्वेंटी नाइन ठीक है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये बराबर देखिए नौ तिया हो जाएगा सत्ताईस सात सौ उन्तीस में मैं सत्ताईस अगर घटा दू तो मुझे क्या पहुंचेगा प्लस सत्ताईस कहां से आया नौ तिया सत्ताईस ये इधर लाए तो प्लस माइनस हो गया तो ये आपको मिल जाएगा सात सौ दो सेवन जीरो टू ठीक है नोट डाउन करेंगे सात सौ दो अब इसके लिए क्या शॉर्टकट देखो जो एन स्क्वायर माइनस टू करते थे वैसे ही मिलता जुलता है अगर नॉर्मल एक्स प्लस वन बाई एक्स देखे आपको क्यूब वाला फॉर्मेट पूछ रहा है तो कुछ नहीं एन का जैसे उस केस में क्यूब स्क्वायर करते थे इधर क्यूब कर देना और माइनस टू करते थे माइनस थ्री कर देना लेकिन साथ ही साथ एन बच जाएगा ये वाला एन बचा हुआ है तो अगर स्क्वायर पूछता था तो एन स्क्वायर माइनस टू करते थे क्यूब रहेगा तो एन स्क्वायर माइनस थ्री एन करना है क्या ये फॉर्मूला लगा के देखने से आंसर आ रहा है देखो तो नौ का क्यूब सात सौ उन्तीस माइनस थ्री इंटू नौ सत्ताईस तुरंत आ जाएगा अब इसी आधार पे इसी आधार पे और कुछ क्वेश्चन देता हूं अब ये लंबे मेथड से ना बना के ना इसी से बनाना आपको निकालना हर केस में एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ही रहेगा ये आपको निकालना है फॉर्मूला मैं अभी बताया आपको एन क्यूब माइनस थ्री एन रहेगा ध्यान रखना एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको क्या दिया गया है तो इसके बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे आपको जैसे मैं रख दे रहा हूं एक बार पांच एक बार रख दिया छ एक बार रख दिया रूट ग्यारह एक बार रख दिया रूट तीन ये बताइए चारों के आंसर बताना फॉर्मूला पुट करके लंबे मेथड से बनाने की जरूरत नहीं एक बार बता दिया आप सीख गए होंगे समझ गए होंगे अब वो फॉर्मूला में डालो वैल्यू निकालो अरे सबका चलो ठीक बाकी भी ट्राई करिए चलो ये फॉर्मूला बस डालना है आपको वैल्यू पुट करना है जैसे इधर से आलू डालो इधर से सोना निकल रहा है वैल्यू डालो आंसर मिल जाएगा एन का क्यूब ये पांच का क्यूब कर दिए माइनस थ्री इंटू फाइव पांच का क्यूब कितना होता है जी एक सौ पच्चीस माइनस पंद्रह ये आ गया आपका एक सौ दस यहाँ पे छ है छ का क्यूब माइनस थ्री इंटू सिक्स एन का क्यूब माइनस थ्री एन छह का क्यूब हो जाएगा आपका दो सौ सोलह माइनस अट्ठारह ये आ जाएगा एक सौ अंठानवे वन नाइन्टी एट रूट ग्यारह है रूट का ग्यारह का क्यूब कर दो माइनस थ्री इन टू रूट ग्यारह ग्यारह का रूट ग्यारह का क्यूब क्या मिल जाएगा ग्यारह रूट ग्यारह है कि नहीं इसका मतलब है कि आप इसको रूट ग्यारह को तीन बार लिखेंगे तो दो बार रूट ग्यारह रूट ग्यारह तो ग्यारह हो जाएगा और ये तीसरा वाला रह जाएगा माइनस थ्री रूट ग्यारह लेकिन इसको यहीं पे मत छोड़ना हाँ ये ग्यारह रूट ग्यारह और ये माइनस थ्री रूट ग्यारह ग्यारह और तीन घट जाएगा आपका बच जाएगा 8 root 11. लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें बता देता हूँ जो कंफ्यूज करती हैं जैसे ग्यारह रूट ग्यारह यह रहता है माइनस थ्री रूट एट रहता अब इसको क्या माइनस कर सकते थे नहीं अरे भैया इसके पीछे क्या लगा इसके पीछे क्या लगा उसको देखो तो ग्यारह माइनस तीन ऐसे करके आठ कर दिए और ये ग्यारह माइनस आठ इसको भी रूट तीन कर दिए ऐसा अपने मन से कुछ भी नहीं करना है ठीक तो है तो ग्यारह रूट ग्यारह माइनस थ्री रूट ग्यारह है तो ग्यारह माइनस तीन आठ हो गया और ये रूट ग्यारह बच गया अपना रूट थ्री के, के केस में ऐसे ही क्या हो जाएगा रूट थ्री का क्यूब माइनस थ्री रूट थ्री तो ये आपका क्या बच जाएगा माइनस क्या आ जाएगा वैल्यू यही आया सभी का चारों आंसर छिक तो ये फॉर्मूला याद रहेगा है ना उसके बाद पेज छोड़े नहीं छोड़े छोड़े हाँ चलो ठीक बिना बोले छोड़ दिया करो कंसर्ट पे नहीं तो फिलहाल आज इतना ही सारा फॉर्मूला बताया एक साथ लाइन से दो पेज का बता दूंगा तो आपको याद नहीं होगा फिलहाल जितने काम का उतना बताते चल रहा हूँ एक साथ सारे प्रॉपर्टीज बता दूंगा याद नहीं तो पहला दूसरा तीसरा वाला देख लिए मेरे ख्याल से इतने में बन जाना चाहिए अब अगर रिवर्स मैकेनिज्म वाला पूछे तो भी बना सकोगे जी बिल्कुल तो देखते हैं रिवर्स वाला भी उसके बाद लास्ट फॉर्मूले पे हम लोग चल देंगे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना होता था और ये हमें दिया है अब ये निकालना होगा ये दिया रहेगा जैसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये आपको दिया जाएगा और आपको निकालना है एक्स वन बाई एक्स ठीक है ये 322 दिया है आप ये मुझे निकाल के बताएंगे फॉर्मूला आपको मालूम है एन क्यूब माइनस थ्री एन बराबर ये आता है जो भी है रूट वगैरह में तो बारेन चलो ठीक है मालूम है नहीं बना होगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला वाले से बनाओगे वही समझाना चाह रहा था कि नहीं बनेगा ऐसे ठीक अगर फिर भी ये दे दिया रहा है ये दे दिया जाए तो आपको ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन इसका कोई यहाँ पे एन और ये एन बच जा रहा है अगर खाली तीन रहता तो मैं कुछ कर लेता लेकिन आपको जज करना पड़ेगा तो आपके पास तीन चार ऑप्शन दिए रहेंगे ना जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ छह रख के देखोगे क्या उतना वैल्यू आ रहा है क्या छह का क्यूब हो जाएगा दो सौ सोलह और ये माइनस अट्ठारह ये तो नहीं आ रहा है सात रखो को देखोगे सात का क्यूब होता है तीन सौ तिरालीस माइनस इक्कीस ये आ जाएगा तीन सौ बाईस तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सात तो इस केस में आप नहीं पहुंच पाओगे ठीक है ऑप्शन से आपको पहुंचना पड़ेगा अगर दे भी देता है तो ठीक ये क्लियर अब लास्ट फॉर्मर्ड में हम लोग चलते हैं अगर आपको x माइनस वन बाई एक्स बराबर ये बराबर आपको दिया गया है तो बताइए x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा ओके ठीक है कर दो सो चौतीस आ रहे हैं। चलो ठीक है ध्यान दीजिए अगर मैं इन तीनों का क्यूब कर देता हूं इसको ए मान रहता हूं इसको बी तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सब माइनस माइनस में है माइनस थ्री ए बी ए इंटू बी और यहाँ कहीं पे भी माइनस मत घुसा देना मैं बोला ए खाली एक्स को माने और बी खाली वन बाई एक्स को माने वो तो माइनस को अलग रखें ठीक थ्री ए बी और ब्रैकेट में क्या था ए माइनस बी तो ए के जगह एक्स है और बी के जगह वन माइनस है और इधर भी आपको क्यूब करना पड़ेगा छः का क्यूब ये लो इसमें देखिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब ये बचेगा ये एक्स और ये एक्स कट गया तो ये खाली तीन बच जाएगा और ये एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन में कितना दिया है दिया हुआ। ये बराबर का कितना है? दो सौ सोलह एक्स का क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब ये आ जाएगा आपका माइनस अट्ठारह बराबर दो सौ सोलह तो बाद में क्या करते हैं माइनस अट्ठारह को मैं इधर ला जाता हूँ जोड़ देता हूँ दो सौ सोलह प्लस दो सौ दो सौ चौंतीस आपका आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर तो अब माइनस देके ये माइनस वाला ही निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन क्यूब थ्री है ठीक है तो ये चार चीज आप ध्यान रखेंगे चलिए इसी में एक और क्वेश्चन आप डायरेक्ट फार्मूला से बनाने का प्रयास करेंगे फॉर्मूला तो ये दिया हुआ है एन क्यूब प्लस थ्री एन बस मैं वैल्यू बता दे रहा हूं एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर आपको अगर आपको थ्री रूट टू दिया हुआ है तो क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज कर रहा हूं थ्री रूट टू वैल्यू नॉर्मल लेते थे अब रूट में ले लिए अब नॉर्मल और रूट दोनों वाला कर दिए थ्री रूट टू तो बताइए मुझे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा ट्राई करके देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है वैल्यू पुट करिए आएगा चौबीस रूट ओके आप बोल दिए वही आंसर हो जाएगा नहीं आएगा तो क्वेश्चन चेंज करेंगे ठीक है चलो ध्यान दो इधर प्रॉब्लम डायरेक्ट पुट करो ना एन क्यूब एन के जगह पूरा थ्री रूट टू लिख दो और इसका क्यूब प्लस थ्री इन टू एन एन के जगह क्या है अब देखो ये क्यूब है और ये अंदर दोनों है दोनों को बराबर बराबर बांटना ठीक तो तीन का क्यूब कितना हो जाएगा जी सत्ताइस और रूट टू का क्यूब टू रूट टू हो जाएगा इसको तीन बार लिखोगे रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट, रूट टू ठीक कोई बात नहीं क्वेश्चन चेंज करेंगे आपके लिए तीन इंटू तीन कितना आएगा नौ आएगा नौ रूट इधर दिक्कत नहीं करना है मान के चलो मान के चलो ध्यान रखो टू रूट थ्री है और इसका मैं स्क्वायर करने बोल रहा हूँ तो भैया स्क्वायर केवल इसका बस मत कर देना इसका मत कर देना दोनों का करना क्योंकि वैल्यू हम लोग अलग अलग लिखे इसको एक साथ लिखोगे तो कहीं ना कहीं रूट थ्री का वैल्यू निकालोगे उसके बाद स्क्वायर करोगे कि मतलब उससे अच्छा क्या करें दो का भी स्क्वायर किए चार और रूट थ्री का स्क्वायर किए तीन ऐसे होता है टू बाई टू बाई थ्री का स्क्वायर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस दो का स्क्वायर करके छोड़ दिए दो बाई तीन का पूरा स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ ऐसे लिखते हैं बस वैसे ही तीन को मैं तीन बार लिखूंगा सत्ताईस और रूट टू को तीन बार लिखूंगा तो टू रूट टू आ जाएगा रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू टू रूट टू बचेगा और ये नौ और ये रूट टू ठीक तो सत्ताईस दूनी है, ये चौवन लिख सकता हूं क्या मैं चौवन रूट टू प्लस ये नौ रूट टू है तो चौवन और नौ ऐड कर दूंगा तिरसठ रूट टू आपका आंसर आ गया क्या तिरसठ ठीक है चलो ठीक आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं इतने को कल सबमिट के आइएगा इसके बाद लेवल बढ़ते जाएगा और ये बेसिक वाला नहीं सीखे रहोगे नहीं समझे रहोगे तो दिक्कत जाएगा तो इसलिए आज के क्लास को कल प्रेम पूर्वक रिपीट करके आना है ठीक